मॉर्निंग एवरीवन, आज आई थी अपने नए घर में। एक्चुअली जब लेबर आनी होती है तो स्कूल टाइम स्टार्ट होने से पहले पहले आके यहाँ पे लॉक खोल के वाटर कूलर और सब अरेंज करके चली जाती हूँ ताकि लेबर आए सीधा काम करे और मैं अपनी क्लासेस आराम से स्मूथली ले सकूँ। अभी बन रहा है ऊपर वाले फ्लोर में वॉशरूम। चलो ज़्यादा नहीं, ऊपर वाले फ्लोर की तो ग्लिम्सेस आपको दिखाई देती हूँ। चलो आ जाओ। ये जो बाथरूम है ये ऊपर के फ्लोर का है और इसके अलावा यहाँ पे है ये रूम नंबर 1 जो कि इस बाथरूम के साथ अटैच्ड है। और उसके बाद ये है एक ओपन वेंटिलेशन, ऊपर जाल लगा हुआ है और इसी का कनेक्शन डायरेक्ट नीचे भी जाता है। और ये है दूसरा रूम जिसमें भी नेचुरल लाइट का फुली सोर्स है थ्रू दिस विंडो टू दी वेंटिलेशन एरिया। और एसी की इंटरनल फिटिंग सब हो चुकी है और यहाँ पे है ये ओपन किचन काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जिसका अभी वुडवर्क होगा और इसको कंप्लीट लुक दे दिया जाएगा। और इसके साथ ये इतना बड़ा लॉबी एरिया है तो ऊपर का भी पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट है और यहाँ भी लाइट सोर्स के लिए विंडोज़ हैं, मैश डोर है एंड देन विंडो नियर टू दी किचन एरिया इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो उसके बाद जब हम बाहर आते हैं फिर एंट्री आने के बाद ये है डोर जहाँ से वो पोर्शन कंप्लीट स्टार्ट होता है एंड देन वो किचन की विंडो है। ये वॉशिंग एरिया है जो हल्का सा कवर्ड है, अंडर स्टेयर है, टैप भी फिटिंग कर दी गई है। और उसके बाद ये इतनी ह्यूज बड़ी छत जो है दैट इज़ फॉर ओपन सिटिंग एरिया। और यहाँ पे मेरा प्लान है ग्रीन जोन बनाने का और यहाँ से स्टेयर्स जाती हैं ऊपर की छत पे जहाँ जाके, चलिए देखते हैं, ऊपर की छत पे मेरा किचन गार्डन बनाने का प्लान है कि मैं यहाँ पे किचन गार्डनिंग करूँ। तो यहाँ भी मेरे पास अच्छा खासा ये एरिया है, वो एक छोटा सा वॉशरूम बनाया है छत पे और ये जो वेंटिलेशन जाल एंड दिस इज़ अ रूम जहाँ पे वाटर टैंक को कवर करने के लिए एक स्लैब दे के स्पेस बनाया है। इसका ये बेनिफिट होता है कि अब ये डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं है तो सर्दी गर्मी में जो पानी के वो जो ठंडा, गर्मी में गर्म पानी होता है या सर्दी में ठंडा पानी होता है वो इम्पैक्ट यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ अगर सन के कांटेक्ट में रखते हो तो इसकी 3 साल से ज़्यादा एज नहीं होती है टैंक्स की। तो अब इसकी शेल लाइफ भी बढ़ गई है। उसके साथ हमने सारे वाटर कनेक्शन पाइप्स एवरीथिंग वी हैव प्रोवाइडेड हियर। और ये वॉल वगैरह सब यहीं हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है प्रेशर पंप का। प्रेशर पंप का ये यूज़ है कि कई बार क्या होता है 8-10 साल जब आप यूज़ करते हो घर में रहते हो तो जो आपकी जो वो पानी की जो टैप्स होती हैं उसमें पानी का प्रेशर कम हो जाता है और पानी की स्पीड बहुत कम हो जाती है जिसकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता है। और आपको अगर टैंकी खाली होगी तो बार बार उसको क्लीन, टैप्स बंद हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती है तो बार बार उसको क्लीन कराने का प्रोसीजर करना पड़ता है। तो क्योंकि ये टैंक्स अंदर हैं तो इसमें गेट भी लग जाएगा तो गंदगी का इतना चांस नहीं रहेगा। एंड सेकेंडली प्रेशर पम्प लगवाने की वजह से अगर वो प्रेशर पंप से अगर पानी ऊपर चढ़ता है तो टैप्स जो होती हैं वो उस प्रेशर की वजह से हमेशा क्लीन रहती हैं और पानी का फ्लो हमेशा बरकरार रहता है। तो दैट इज़ दी प्लस पॉइंट। हमने टैप की फिटिंग करवा ली है कि आफ्टर अगर 8-10 साल बाद जब भी ज़रूरत पड़ी तो फिटिंग दोबारा से करवानी नहीं पड़ेगी, नीचे से लेके ऊपर तक की फिटिंग सब डन है क्योंकि इंटरनल होती है। और जब भी ज़रूरत होगी 5-10 साल बाद हम वाटर प्रेशर पंप लगवा लेंगे यहाँ पे। तो ये हम थोड़ा सा एडवांस हर चीज़ को सोच के चले हैं। जैसे सिमिलर वे में हमें मालूम है कि हमने ग्राउंड फ्लोर यूज़ करना है, हमने जो फर्स्ट फ्लोर है जो अभी आपको मैंने दिखाया वो हम यूज़ नहीं करेंगे, वो रेंटल पर्पज़ के लिए रहेगा शायद, फ्यूचर का हम नहीं बता सकते बट फिलहाल यही प्लान है कि एक पोर्शन इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर अस और सेकेंड फ्लोर वी फर्स्ट फ्लोर वी विल बी गिविंग ऑन रेंट। सो बट उसमें भी हमने एसी की इंटरनल फिटिंग सारी करवा दी है। आर यू एबल टू सी दिस पाइप होल? ये एसी की
इंटरनल फिटिंग हमने करवा दी है, ताकि अगर ऊपर रेंट पे भी कोई रहता है कल को एसी की फिटिंग करवानी है तो उसको वायर्स वाला जानना ही होगा। सिमिलर वे वी हैव मोर एसी फिटिंग्स हियर, लेट मी शो यू दैट। दो एसी की फिटिंग यहाँ पे हुई हुई है, तो एक ये एसी की फिटिंग हो चुकी है और इसके साथ ही यहाँ पे हमारे बेडरूम की एसी की फिटिंग्स और ऊपर वाले रूम की एसी की फिटिंग्स। पांचों एसी की फिटिंग का जो इंटरनल वर्क है वो हमने कंस्ट्रक्शन टाइम में ही करवा लिया है। इसके साथ कुछ और चीज़ों का हमने ध्यान रखा, जैसे कि वाईफाई की वायर्स की इंटरनल फिटिंग होनी चाहिए, आज नहीं तो कल जब हम सोलर प्लांट लगवाना चाहें तो उसकी भी इंटरनल फिटिंग्स का हमने प्रोविज़न अभी से सेट कर दिया है। और इसी के साथ जो टीवी केबल्स होती हैं उसकी भी इंटरनल फिटिंग्स होती है, कैमरास जो आप लगवाते हैं उसकी इंटरनल फिटिंग्स होती है, तो वो रखवा दी हैं। और कुछ एक पॉइंट्स और हमने ध्यान में रखे जब इलेक्ट्रिक फिटिंग हो रही थी, वो ये था कि हमने स्विचेस कहाँ कहाँ चाहिए होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ स्विचेस होने ही चाहिए, लाइक बेड के पास में एक चार्जिंग प्लग होना चाहिए क्योंकि फ़ोन को आजकल हम वहीं चार्ज करते हैं। और इसी के साथ किचन में कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ पे हमें प्लग चाहिए होता है। तो कई बार क्या होता है, मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे वुडवर्क किया होता है, बहुत क्लासी घर बने होते हैं, अच्छी किचन बनी होती है लाखों का खर्चा करके, बट उसके बाद भी फ्रिज का या माइक्रोवेव का प्लग जो है जो उसकी बैक साइड में होता है, जिसको ऑन ऑफ करने में एक्सेस करने में बहुत इश्यू होता है, कि आप पूरा फ्रिज खिसकाओ तो जाके आप उस प्लग को एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने इन चीज़ों का पहले से ही ध्यान किया है, मैंने अगर फ्रिज यहाँ रखा है तो उसकी साइड वॉल पे मैंने प्लग का अरेंज किया, और सेम वे मैं माइक्रोवेव के लिए भी कर रही हूँ। और किचन में जहाँ मैंने अप्लाइंसेस एरिया बनाया है पेंट्री में, मैंने किचन में नहीं रखी है अप्लाइंसेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने किचन में वाटर एरिया भी नहीं रखा है, नो सिंक इज़ देयर, नो वाटर एलिमेंट प्योरीफायर, नथिंग इज देयर इन द किचन, दैट इज़ इन द पेंट्री एरिया, एंड सेम वे फ्रिज इज़ ऑल्सो इन द पेंट्री एरिया। सो देखते हैं, अभी जितनी ज़्यादा प्लानिंग के साथ ये कंस्ट्रक्शन और एवरीथिंग हैंडल कर रही हूँ, प्रैक्टिकली वो चीज़ें कितनी अच्छी से इम्प्लीमेंट होती है ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट्स में ये जो फंक्शनल एरर्स होती हैं मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता ही है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल दैट बाय बाय।